हेलो गाइस, श्रीदागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक DIY बताने वाली हूँ, जो कि ओल्ड शर्ट से मैं बनाने वाली हूँ। तो ओल्ड शर्ट से मैं एक बेबी ड्रेस बनाने वाली हूँ। बहुत ही इजी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए वीडियो, क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग मैं दोनों चीज़ें इसी वीडियो में देने वाली हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ, आपने देखा ही होगा। और कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये शर्ट है, ये ओल्ड शर्ट है, मैं इसकी बेबी ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए, जिसकी भी बेबी की आप बना रहे हैं उसकी एक टी शर्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट ले लिया है इस तरह से। टी शर्ट को हम लोग रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इसको पूरी तरह से ऐसे रख दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो हमारी टी शर्ट है इससे थोड़ा सा लूजिंग लेके, एक एक इंच की लूजिंग लेके, पहले हम लोगों को इसको पूरा ट्रेस कर लेना है, फिर एक्स्ट्रा लेके हमें इसको कट कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ शोल्डर से स्टार्ट करूँगी, और नेक आपको जिस तरह की भी बनानी है आप वैसे बना सकते हैं। ये टी शर्ट की नेक जो है मैं इसे थोड़ी सी छोटी बनाऊँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल टी शर्ट को जो है ट्रेस कर लेती हूँ इसी के नाप से। मैं इसमें फुल स्लीव्स बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आर्म होल का निशान बना रही हूँ। आप अगर हाफ स्लीव्स बनाना चाहते हैं और इस तरह की सिलाई नहीं चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी ट्रेस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ आर्म होल को ट्रेस कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग में ले जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये हमारी जो है इसकी वेस्ट है टी शर्ट की, तो जो हमारा वेस्ट है वो हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे वेस्ट में। इस तरह से पूरा ट्रेस कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से लेंथ लेनी है, फुल होनी चाहिए लेंथ। आप चाहे तो मतलब घुटने के इतना या घुटने से नीचे, आप बच्चे का नाप लेके उसकी लेंथ यहाँ से लगा सकते हैं। तो जहाँ हमने कमर का निशान लगाया हुआ है यहाँ से हम लोगों को थोड़ी सी इस तरह से अम्ब्रेला में लुक देना है। तो आप इस तरह का स्केल ले सकते हैं, इस तरह के स्केल से आप यहाँ पर पूरा इस कोने तक आप ले जा सकते हैं। आपको लेंथ देखनी होगी यहाँ से कि, तो अब लंबाई के लिए हम लोग यहाँ से रखेंगे टेप को, और जितनी भी आपको लेंथ लेनी है घुटने के नीचे उतनी रखेंगे। मैंने घुटने के नीचे तक लेंथ ली है, तो ये 19.5 आ रही है, और ये हमारा फिनिश पहले से ही है। तो ये गोलाई मैं रखूँगी पूरी ऐसे ही। अगर एक साल से बड़ी बच्ची है यानी कि 3 साल की है तो आप इस तरह का कॉलर भी लगा सकते हैं। 3 से 4 साल 5 साल इस तरह का कॉलर का भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप आर्म होल को कट करके पूरी फ्रॉक जो है बना सकते हैं। ये कॉलर आप यूज़ में ला सकते हैं, बट ये कॉलर 1 साल की बच्ची के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए जैसा हमने ये ड्रॉ किया हुआ है इसी तरह से हम लोगों को ये कट करना है, बट आप थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देकर कट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिटिंग जितनी लगाना चाहें आप उतनी फिटिंग लगा सकते हैं। तो मैं कट करके दिखाती हूँ। इसको बराबर से काटने के लिए आप इस तरह से इसको पलट सकते हैं। पलटने के बाद आपको बिल्कुल सही जो है बराबर से मिल जाएगा कपड़ा, उस तरह से हम लोग इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ड्रेस जो है वो पूरी हो गई है। उसके बाद अब हम लोगों को ये जो नेक है, आगे का गले को आप 1.5 इंच या 2 इंच कट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप कट कर देंगे तो ये पूरी सामने से खुली हुई ड्रेस है, आपको पूरी ड्रेस मिल जाएगी, नेक छोटा नहीं पड़ेगा। ये नेक के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कट करने वाली हूँ।
मैं आधा इंच या फिर 1 इंच आप कट कर सकते हैं। टोटल आप आगे का गले को 2 या 2.5 इंच गहराई कर सकते हैं। और ये जो है सिर्फ मैंने आगे के नेक में किया है, देखिए पीछे का नेक सिंपल सा है और 1 इंच गहराई में है, आगे का मैंने आधा इंच और लेके कट किया हुआ है और यहाँ का जो बटन था वो मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग ये पाइपिंग जब लगाएंगे तो आधा इंच और कम ये हो जाएगा, कम हो जाएगा गला, तो इसलिए ये पूरा 2 इंच का गला मैं तैयार बनाऊंगी। तो अब हम लोग स्लीव्स कट कर लेते हैं। हम लोग इसको पहले बिल्कुल बराबर से रखेंगे, आप चाहें तो एक एक स्लीव्स भी कट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल बराबर से रखने के बाद यहाँ पर हम ये वाली कटिंग हम लोगों को निकाल देनी है, ये जो सिलाई है, और ये वाली जो सिलाई है ये भी हम लोगों को निकाल देनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से कट कर लेंगे। मैं थोड़ी सी पफी स्लीव्स बनाने वाली हूँ, तो ये जो है ये मैं घेर ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरह से चुन डालूंगी और नीचे से जो है वो मैं इलास्टिक वाला बनाने वाली हूँ जिसमें यहाँ पर चुन होता है, तो ये इस तरह से कुछ लुक आएगा। ये बिल्कुल पफी स्लीव्स बनाऊंगी। तो और ये चीज़ जो है ये हम कट करके हटा देंगे, बाकी हम लोग लेंथ लेंगे। लेंथ हम लोगों को मुझे यहाँ पर लेंथ जो है फुल स्लीव्स मैं बना रही हूँ, तो फुल स्लीव्स के हिसाब से मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 9, पर 9 में 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं यहाँ पर टोटल 10 ले रही हूँ स्लीव्स। आपको जितनी स्लीव्स लेनी है आप उतना इसको कट कर सकते हैं। और इसका जो घेर है ये मैं घेर यहाँ पर ज़्यादा दूंगी, यानी कि जैसे हम लोग 5 इंच ले सकते हैं, 5 इंच में ही हम लोगों को ये कटिंग भी निकल आएगी और इतना कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ पर इतनी सी, छोटे बच्चों की कलाई थोड़ी सी छोटी सी होती है, तो हम लोगों को इतना कपड़ा चाहिए, बाकी में हम लोग यहाँ पर चुन डाल लेंगे। तो वो सब मैं आप लोगों को स्टिचिंग में बताऊंगी। जितनी भी आप स्लीव्स ले रहे हैं ना फुल, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ये वाली स्लीव्स बनाने के लिए। तो अब हम लोग इसको कट कर लेंगे और ये कटिंग हम हटा देंगे। ये हम लोगों को यहाँ पर स्लीव्स मिल गई है, इस तरह से हम लोग इसमें इलास्टिक लगा के बना देंगे। तो हमारी फ्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सिलाई के लिए सबसे पहले हम लोग जो इसका राइट साइड है वो अंदर की तरफ रख देंगे, और उसके बाद ये हम लोगों को शोल्डर ज्वाइन करना है। तो शोल्डर हम लोग यहाँ पर इस तरह से सिलाई मार देंगे, डबल सिलाई मारेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग सिलाई मार लेंगे, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आप। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने सिलाई मार दी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम लोग एक पट्टी लेंगे जो कि मैंने यहाँ पर कॉलर से कट की हुई है, ये डेनिम की है। तो अभी आप चाहें तो शर्ट से रिलेटेड ही आप जो कपड़ा आपका बचा है वहाँ से भी आप पट्टी निकाल सकते हैं कोई भी। ये 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है। अब इसको हम लोग इसे नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग साइड पर हम लोग रखेंगे कपड़े को, इस तरह से हम लोगों को इसको मोड़ना है और इसको हम लोग इस तरह से कुछ रखेंगे और इस तरह से हम लोग सिलाई लगाते हुए आएंगे पूरी गोल गोल। और हमें ये इस कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज करके हम लोगों को इसको सिलाई लगानी है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये पट्टी पूरी तरह से लगा ली है। अब हम लोग इसको पलट देंगे सीधे की तरफ। तो पलटने के लिए हमें यहाँ पर कट्स लगाने होंगे, तो हम लोग यहाँ पर कट्स लगा देते हैं। कट्स लगाने से आपको बहुत आसानी होगी इसको पलटने में। ये देखिए ये हमने कट्स लगा दिए हैं, इसको हम लोग आगे की तरफ पलट देंगे यानी कि राइट साइड पर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लोग इसमें एक सिलाई लगाएंगे जो कि नीचे की साइड होगी। यहाँ पर हम लोग किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये नेक कंप्लीट हो गई है।
पूरा ये डेनिम का आपको दिख रहा है लुक, नेक जो है पूरी डेनिम की बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। अब हम लोग स्लीव्स में बढ़ते हैं, तो स्लीव्स में हम लोग यहाँ पर इलास्टिक डालने वाले हैं। तो अब स्लीव्स में सबसे पहले यहाँ पर नीचे मैंने मोड़ दिया है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जोड़ लगाई हुई है 1 इंच की। आप चाहें तो इसी को ही आप मोड़ सकते हैं, अगर आपकी स्लीव्स छोटी है तो आप 1 इंच या 2 इंच जितनी भी छोटी आपको पड़ रही है तो आप जोड़ लगा सकते हैं, वरना फिर आप नीचे वाले को ही इस तरह से मोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि 1 इंच ऊपर से हम लोगों को इलास्टिक लगानी है, और इलास्टिक जो है वो खींच कर लगानी होगी। तो आप इस तरह से खींच सकते हैं, 4 से 5 इंच की हम लोगों को इलास्टिक लेनी है और उसको हम लोग खींच के पूरे में लगा देंगे। तो खींचना किस तरह से है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये इलास्टिक जो है वो खींच दी है इस तरह से, और इस तरह से कुछ चुन आ गए हैं इसमें। अब हम लोगों को ये शोल्डर में लगाना होगा, शोल्डर को इस तरह से रखेंगे और इसी के ऊपर हम लोग जो है स्लीव्स को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स को हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हम लोग पहले इसको बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद एक कट का निशान लगाएंगे, बिल्कुल बीच के पोर्शन में हम लोगों को लगाना है। उसके बाद इसी कट को हम लोग बीच की सिलाई पर रखेंगे, यानी कि जो हमारी शोल्डर की सिलाई है उस पर इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्लेट्स देंगे, ये हमारी शोल्डर वाली प्लेट्स है जो हम लोग स्लीव्स में देते हैं, इसकी वजह से जो स्लीव्स है वो थोड़ी पफी लगती है। इस तरह से फिर हम लोग इसमें सिलाई लगा देंगे, तो मैं सिलाई लगाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये पूरी तरह से जो स्लीव्स है ये इसमें बैठ गई है, ये देखिए ये इसका सीधी तरफ है। अब हम लोगों को इसको उल्टा करना है और फिटिंग लगानी है। ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग जो है इसमें सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो इलास्टिक है ये हम लोगों को सिलाई में ज़रूर दबानी है। तो आप चाहे थोड़ी सी ही दबाएं, बट सिलाई में इसको आपको ज़रूर दबानी है। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग पूरा जो है इसमें बॉडी में फिटिंग लगा देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये ड्रेस पूरी तरह से रेडी हो गई है, जो कि मैंने ओल्ड शर्ट से बनाई हुई थी। आप देख सकते हैं बच्ची भी बहुत खुश है पहनकर, और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। आप इसको 1 से 2 साल या 3 साल के बच्चे की भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ की शर्ट है तो। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।